हेलो बच्चों, आज हम विज्ञान के इंट्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले विज्ञान क्या होता है, विज्ञान कहती किसे है, तो विज्ञान किसे कहते हैं इसको हम जानेंगे। तो किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह परिभाषा हम बहुत ही सिंपल हो जाती है। इसी परिभाषा को थोड़ा और अच्छी बनाने के लिए हम इसमें कुछ और शब्द जोड़ देते हैं, जैसे किसी भी विषय के सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये और अच्छी परिभाषा लगने लगती है। इसके बाद जो विज्ञान शब्द है वो इंग्लिश के साइंस SCIENCE साइंस कहते हैं। जो साइंस है वो लैटिन भाषा के सायर या साइंटिया शब्द से उत्पन्न हुआ है। जो विज्ञान शब्द है वो लैटिन भाषा के सायर या साइंसिया शब्द से उत्पन्न हुआ है। अब सायर इसका जो अर्थ है क्या है, अर्थ इसका अर्थ होता है टू नो, KNOW, अर्थात जानना। अब साइंसिया या साइंटिया इसका जो अर्थ होता है वो है टू नॉलेज, नॉलेज अर्थात ज्ञान। तो हम कह सकते हैं कि जो साइंस है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो किसी, देखें, किसी के बारे में जानना या अथवा या किसी के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, ये हो जाता है इसका अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है साइंस का या विज्ञान का। इसके बाद ये सब हो जाता है, उसका शाब्दिक अर्थ हो गई, परिभाषा हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं तो विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ साइंस। अब इसकी शाखाएं, वैसे तो विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, लेकिन जिनका हम अध्ययन करते हैं वो सिर्फ मुख्य रूप से तीन ही होती हैं। जिनका हम अध्ययन करते हैं वो हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान हिंदी में कहते हैं, भौतिक विज्ञान। दूसरी है केमिस्ट्री, इसे कहते हिंदी में रसायन विज्ञान। और तीसरी होती है बायोलॉजी, इसे कहती हैं जीव विज्ञान।
तो ऐसे मुख्य जो शाखा हैं वो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो तीन शाखाएं होती हैं। एक बार हम फिर से दोबारा समझ लेते हैं। किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या किसी भी विषय के सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब जो विज्ञान है उसको हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं, और जो साइंस है वो लैटिन भाषा के सायर या साइंसिया, या इसी को साइंटिया भी बोल सकते हैं। तो साइंसिया शब्द से उत्पन्न हुआ है, जो साइंस शब्द है। अब जो सायर है उसका अर्थ होता है टू नो, जानना, और जो साइंसिया शब्द है उसका अर्थ होता है, क्या होता है, अर्थ होता है टू नॉलेज, ज्ञान। अब तो इनका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया विज्ञान का, जो देखें शाब्दिक अर्थ, किसी के बारे में जानना अथवा किसी के बारे में पूर्ण ज्ञान के प्राप्त करना ही विज्ञान होता है। जैसा कि अब आगे बढ़ते हैं कि जो विज्ञान की शाखाएं हैं वो विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तो विज्ञान की शाखाएं जैसे अभी बताया।